आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति दिए जाने की मांग को लेकर बुधवार को मालपुरा के डाक बंगले से मालपुरा के प्रमुख मार्गों से होते हुए मुख्यमंत्री के नाम SDM कार्यालय में ज्ञापन सौंपा। इस दौरान प्रांत कार्यकारिणी सदस्य व छात्र संघ अध्यक्ष विशाल सैनी, नगर मंत्री कमलेश सैनी, नगर सह मंत्री गुड्डू सैनी, छात्र नेता राम सिंह गुर्जर, हंसराज सैनी, यशपाल चौधरी, इकाई उपाध्यक्ष आरती सोनी व समस्त महाविद्यालय के छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। ज्ञापन में बताया कि राज्य सरकार द्वारा बिना परीक्षा विद्यार्थियों को प्रमोट किए जाने के कारण राज्य सरकार ने उच्च शिक्षा में मिलने वाली छात्रवृत्ति पर रोक लगा दी है, जो छात्रों व उनके परिवार से अन्याय है, क्योंकि छात्रवृत्ति गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों को ही दी जाती है। कोरोना काल में इन छात्रों का परिवार गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा है। गरीब छात्रों का जीवन छात्रवृत्ति से ही चलता है। यदि छात्रवृत्ति नहीं मिली तो छात्र आगे नहीं पढ़ पाएंगे। और अध्यक्ष विशाल सैनी ने बताया कि अगर सरकार हमारी मांग को नहीं मानती है तो आने वाले दिनों में राजस्थान के समस्त महाविद्यालयों में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नेतृत्व में ज्ञापन दिए जाएंगे और सरकार से मांग की जाएगी कि जल्दी से जल्दी वापस स्कॉलरशिप योजना लागू करे, जिससे गरीब छात्रों का लाभ हो और उनको पढ़ाई में होने वाले आर्थिक संकट से निजात मिल सके। छात्र संघ अध्यक्ष विशाल सैनी ने स्टूडेंट्स पोर्टल राजस्थान से हुई खास बातचीत में कहा कि विद्यार्थी परिषद की आज यह रैली इसलिए निकाली गई क्योंकि राजस्थान सरकार द्वारा हर वर्ष 5,000 रुपए उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति विद्यार्थियों को दी जाती थी, वो बंद कर दी गई है। अतः सरकार से हमारी अनुरोध है कि इस छात्रवृत्ति को चालू करें, वरना अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा राजस्थान के प्रत्येक कॉलेज में भारी आंदोलन का ऐलान किया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।